हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके इस कनेक्शन में कोई होप है? ठीक है, और आगे क्या होगा फ्यूचर में इस कनेक्शन में? ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपके इस कनेक्शन में होप है या नहीं। अब आप चाहे कनेक्शन में हैं या ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जो भी सिचुएशन है, पार्टनर दिल में है, दिमाग में है, निकलते नहीं है, और आपको जानना है इस कनेक्शन में इस जो एक जो एनर्जी आप अपने पार्टनर के लिए जो फील कर रहे हैं, क्या ये सही है? मतलब क्या इस कनेक्शन में होप है? ठीक है, कुछ हो पाएगा? और अगर कुछ होगा भी तो आगे क्या होगा, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता दूं, जनरल है रीडिंग, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को आप इग्नोर कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए। ठीक है, तो देखते हैं किस ग्रुप के लिए मैसेजेस आते हैं यहाँ पर, और देखते हैं गाइस क्या होता है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए, इनको देखते हैं गाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस एंड मैजिशियन, वाओ, थ्री मेजर अरकानास। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आ गया एक कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर है मैजिशियन लिब्रा, यहां पर है जेमिनाय लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, वर्गो, या जेमिनाय लिब्रा एक्वेरियस है। यहाँ पर एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाय लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, सजिटेरियस एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, वर्ड ऑन द डेक्स है हेरोफेंट, टॉरस। गाइज, यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको कार्ड्स को देखकर थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग गया होगा कि इस कनेक्शन में होप है या नहीं है। देखो, मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि होप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून ही पहला कार्ड आया था, जो कि मुझे गुड लक बता रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में होप है। हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, ये साइकिल पूरी होगी, ये हार्डशिप भी ख़त्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं से जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो ये डिवाइन टाइमिंग भी बताता है, ठीक है, गुड लक भी बताता है, और ये भी यहाँ पर क्लियर है कि आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेयर कर रहे हो, विशेस कर रहे हो। और मुझे लगता है आप बहुत हद तक हील्ड हैं, अवेकन हैं, आपके पार्टनर नहीं हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को मैं हार्डवर्क करते हुए देख रही हूँ, मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ। इट मीन्स ये कोशिश करेंगे, आपके पर्सन कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में, ताकि चीज़ें वर्क करने लगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर गाइस दो दोनों एक्शन के कार्ड आए हैं, जो कि मुझे बता रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ तो होगा, एक्शन लिया जाएगा, कुछ तो होगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये कप आपके पास ही लेकर आ रहे हैं, और यहाँ से भी देखो इनके हाथ में ये कप है। ठीक है, तो डेफिनेटली गाइज ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में होप नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आप सरेंडर कर दो अपनी सिचुएशन को, क्योंकि देखो आप में तो कोई कमी दिख नहीं रही है, आप तो एक एम्प्रेस हैं, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से उलझे हुए हैं कुछ चीज़ों में। ठीक है, और देखो बॉटम द डेक से भी ना यहाँ पे ये हेरोफेंट का कार्ड आया, जो कि मुझे बताता है कि आगे चलकर होप है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैरिज का कार्ड भी होता है हेरोफेंट, ठीक है,
तो ऐसा मैं देख रही हूँ, तो मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि होप नहीं है, मुझे होप दिख रही है। ठीक है, अभी किन के लिए मैसेजेस हैं आप देखिए, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है या नहीं करती। लेकिन यस, थोड़ा सा अभी सिचुएशन ठीक नहीं है विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इसके लिए भी ये पर्सन वर्क करेंगे या आप वर्क करेंगे, आप दोनों ही मिलकर वर्क करेंगे। आप दोनों को फील अगर होता है कि डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत यूनिक है मेरे पार्टनर में और मैं नहीं भूल सकता या भूल सकती, तो डेफिनेटली होप बना के रखो गाइज, ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, नहीं भूल पा रहे हो, तो आप यही कीजिए, क्योंकि मुझे इस कनेक्शन में होप दिख रही है, मुझे आपके पर्सन आते हुए भी दिख रहे हैं। मैं कैसे बोल दूं कि नहीं है कुछ होप यहाँ पर, जबकि कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं आपके, लेकिन आप ज्यादा अवेकन हैं, आप हील्ड हैं, आपके पर्सन नहीं है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी चीजों को। ओके, इंटीमेसी, डीप फीलिंग्स हैं आप दोनों को एक दूसरे के लिए, काफी डीप फीलिंग है। वाओ, लव, लव का कार्ड भी आ गया। मैं कैसे बोल दूं होप नहीं है, जब आप ऐसा फील करते हो एक दूसरे के लिए, तो फिर विश्वास रखो ना अपने कनेक्शन पर, अपने गॉड पर विश्वास रखो ना कि वो आपको मिलाएंगे। एंड द सीक्रेट वुमेन, डेफिनेटली गाइज, आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो, रिलीजियस हो, अवेकन हो, गॉड में बिलीव करते हो, हार्ट चक्रा आपका ओपन है। देखो, इस कनेक्शन को ना मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। नेगेटिविटी तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिए अपना हार्ट चक्रा। देखो, आपका तो मैं हार्ट चक्रा ओपन देख रही हूँ अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ठीक है, इन चक्रास पर वर्क करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा हील्ड हैं, आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, इस पार्टनर को पता है, आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे, आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपके लिए लव नहीं है, बहुत डीप लव है, बहुत ही एक इंटीमेसी कनेक्शन आपके साथ, इंटीमेट कनेक्शन फील करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं एक दूसरे के साथ। जब होते हो तो काफ़ी रिलैक्स फील करते हो, एक मतलब आपके साथ इनको ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए से, बहुत प्यारे से, स्वीट से इंसान हैं, ऐसा अंदर से सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल गाइज, आप अपने कनेक्शन पर विश्वास रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए, यही चीज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या आता है आपके लिए, लेट्स फाइंड। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, वी हैव कम्युनिटी नंबर 7, नंबर 24, ओके, नंबर 11 कॉर्नोकोपिया, या होप है गाइज। फोर्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, सॉरी, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, गॉडेस ऑफ द मून, वाओ, ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बट ऑन डेट सैड थिंकिंग वुमेन। देखो, आप बहुत सोच रहे हो, सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हो, विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, इसी बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हो। इस बारे में सोचना ही क्यों गाइस कि विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अपने पार्टनर से अगर प्यार करते हो, तो आप तो उसकी खुशी के बारे में ही सोचोगे ना, उनको पाना भी एक लालच है। आप ये सोचिए कि मेरे पर्सन जहाँ हैं, जैसे भी हैं, खुश हैं, अच्छा है, अगर वो खुश हैं तो आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। विक्ट्री के बारे में ना सोचते हुए अपने पार्टनर की खुशियों के बारे में सोचो, वो जहाँ हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, इस बारे में सोचो। आपके नसीब में तो आपके पास आके ही रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो अपना, ये सोचो मत, क्योंकि ऐसे इतना सोचने से फिर नेगेटिविटी क्रिएट होती है, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल बोलूँगी होप है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, डेफिनेटली गाइज। अभी आपको, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, आपको लगता है कि ये तूफान कभी नहीं थमेगा, ऐसे ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, सन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और देखो,
10 एंड देन 11, ये तूफान खत्म होगा, ये सन बटरफ्लाई फ्रूट्स आपकी लाइफ में आएंगे, फ्रूटफुल ही रिजल्ट मिलेगा। बट पहले रिजल्ट के बारे में छोड़ दो, सोचना छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशी आएगी नो डाउट, थोड़ा सा अपने आप को ना एडजस्ट कीजिए, एक अपना माइंडसेट फिक्स करके उसके बारे में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कीजिए और गॉड में बिलीव कीजिए, ये चीज़ आपको करनी है। तो मैं तो बोलूँगी यस, होप है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, आगे क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का या गॉड का या आपका खुद का, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं गाइस। वी हैव इंट्यूशंस, तो आगे चलकर और अभी से ही अपने इंट्यूशन को ज्यादा फॉलो करो, आपका दिल क्या कह रहा है, आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है। वाओ, मेमोरीज ऑफ लव गाइस, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, विक्ट्री ही मिलेगी, डोंट वरी। मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स कार्ड होता है ये, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा सब कुछ आगे चलकर, अब मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, बिग सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि मैं देख रही हूँ। वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स डेफिनेटली गाइस, नई शुरुआत हो जाएगी, आप दोनों एक हो जाएंगे, ये रिश्ता अगर आप इनको सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हो तो ये गॉड ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। डिस्कनेक्ट एंड बॉडम, ओके, एंड वी हैव रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो देखो होप है यहाँ पर, आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा टाइम आएगा एक टाइम कि डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ये भी सरेंडर कर देंगे आपकी तरह, लेकिन देन जाके इनको समझ में आएगा, इनको आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज याद आएंगी, ठीक है, एंड देन जाकर ये आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, इनके इंट्यूशन पावर इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इनके कौन हैं, और इनके इंट्यूशन भी आपकी एनर्जी इनको तब तक ही पहुंचाएंगे जब आप पॉजिटिव सोचोगे, जब आप सोचोगे कि यस ये कनेक्शन होगा ही होगा, इस कनेक्शन में होप है, ये कनेक्शन मेरा है, ये पार्टनर मेरे हैं, गॉड ने हमें मिलाया है, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिविटी ही सेंड करोगे अपने पार्टनर को, तो आपका पॉजिटिव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ, ओके, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, गॉड ने अब एडवाइस दे दिया आपको, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप दोनों सेफ हैं इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। ओके, और देखते हैं गाइस, लक इज ऑन योर साइड, लक है आपकी साइड गाइस, अगर आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं तो डोंट वरी, लक आपकी साइड है, सब कुछ अच्छा होगा। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डेफिनेटली एक नई शुरुआत आएगी, अब और क्या बोलूँ मैं, इतनी अच्छी एडवाइस आ रही है आपके लिए, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, लक इज ऑन योर साइड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि पावरफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में गाइज, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं, ये जिस भी ग्रुप के लिए मैसेजेस आए हैं, अगर आप बहुत स्ट्रांग कनेक्शन अपने पार्टनर के लिए फील करते हो तो आप होप रखो इस कनेक्शन में, और पॉजिटिविटी के साथ बोलो कि यस हमारा तो यूनियन हो ही चुका है, इस तरह का माइंडसेट अपना बना लो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक नई शुरुआत आएगी और इसमें इतना पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपके सारे तकलीफें दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे, और ये कॉर्नोकोपिया, ये फ्रूटफुल रिजल्ट ही आप फील करोगे, देखोगे अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। तो यस यस डेफिनेटली 100% होप है यहाँ पर, लक है आपकी साइड, आप दोनों सेफ हैं इस कनेक्शन में, और आगे चलकर बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर रखते हैं और मैनिफेस्ट अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।